हे वेलकम बैक आई एम ओ धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नदरी हम बच्चे चाह क्या रहे हैं मैं चाह रहा हूं कि आपको एग्जाम के लिए तैयार करूं और एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए मुझे आप पे काम करना पड़ेगा और होता क्या है ना कि हिंदुस्तान है भारत है मुझे पता है कि मौसम में थोड़ा सा सर्दी आ गया थोड़ा सा मौसम बदला कि आपको बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर होगा आलसीपन आ गया होगा अब मैं उस आलसीपन को तोड़ना चाहता हूँ बिस्तर में हो सुबह हो खाना खा नाश कहीं भी आप मेरे वीडियो को देखने के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है खाना खाते हुए पढ़ो नाश्ता करते हुए पढ़ो सोते हुए बस देखो आप टाइम ले लो और मैं आपको आज चेक करूंगा, और मैं एक एक हिसाब से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप सीपीयू में जा सकते हैं आपकी लंबाई बाधक नहीं है सरकारी नौकरी आपके लिए खिलौना है बस जैसे जैसे बताऊँ ना आप पढ़ने का प्रयास करो इसमें हमने अभी सोचा है कि आपके लिए सिलेबस तैयार करो कैसे पढ़ना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ आपको मैं एक क्वेश्चन पे पंद्रह सेकंड का टाइम दूंगा आप उसको बनाना और बना करके ना मेरे को बताना आंसर क्या है और साथ साथ आप इसको देखो और कर कर के बेहतरीन करने का प्रयास करो और फिर मेरे बच्चे मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन चाहे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं सीजीएल हो AACC हो एमटीएस हो आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ और अपने आप को आजमाइए ये पांच क्वेश्चन दस क्वेश्चन करने से नहीं होना लेकिन इसमें आप खाते-खाते अगर पांच से गए क्या पता कि यही एग्जाम में पूछ दे किसने किसका किस्मत कब पूछ दिया जाए ये आप नहीं जानते नेवर नो इसलिए आप इसको जैसे पढ़ाता हूं याद कर जाओ पढ़ लो मेरे साथ बस देखते हैं क्या पढ़ा रहा हूँ वन वर्ड सब्सिट्यूशन वन वर्ड से अक्सर पाँच से दस नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये टायर वन टायर टू या सी या यू हर एग्ज़ाम में स्पीकिंग में बोलचाल की भाषा में हर जगह प्रयोग किए जाते हैं अगर आप स्पोकन कर रहे हो वहाँ भी इसकी आवश्यकता है राइटिंग कर हर जगह वन वर्ड्स का जरूरत पड़ता है इसलिए वोकेबलरी का हर ज्ञान होना चाहिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा कि शॉर्ट जर्नी ऑफ प्लेजर शॉर्ट जर्नी ऑफ प्लेजर अब मैं आंसर बता दूं ना पहले आपको देखना है शॉर्ट जर्नी ऑफ़ प्लेजर मैं पढ़ दे रहा हूं हॉलीडे कहते हैं स्ट्रॉल कहते हैं कहते हैं, स्नीपर कहते हैं तो आपके पास फिर से बोल रहा हूं शॉर्ट जर्नी प्लेजर अब आप इसका आंसर डी में देखने का प्रयास करें अब देखा आपने अब आपने आंसर निकाल लिया होगा अब यहां पे करके करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका कौन सा आंसर हो सकता है तो सबसे पहले मैं आपको आंसर बताऊं फिर जाकर के एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा अब यहां पे जो इसका आंसर होना है वो एक्सकर्सन होना है प्रश्न उठता है कि इसका आंसर एक्सकर्सन क्यों हुआ हमने कहा शॉर्ट जर्नी शॉर्ट जर्नी ऑफ प्लेजर यानी कि खुशियों का आनंद का एक छोटा सा जर्नी जैसे खाना खा रहे या फिर आप दो चार मित्र आ गए बोलते हैं चलो एक्सकर्सन करते हैं यानी कि थोड़ा सा घूम घाम कर आते हैं थोड़ा सा मस्ती के निकल जाते हैं दो चार एक दो दिन के लिए बाहर निकल गए यानी शॉर्ट प्लेजर है यानी शॉर्ट जर्नी है बहुत लंबा जर्नी नहीं कि भाई हाँ एक महीने के लिए जा रहे हैं तो उसे हम लोग एक्सकर्सन नहीं कहेंगे एक्सकर्सन कहेंगे दो चार दिन के लिए बाहर निकल गया मस्ती किया घर में आ गए उसी को हम शॉर्ट जर्नी कहते हैं अब प्रश्न उठता है है कि हॉलीडे 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 क्यों नहीं हो? क्योंकि नहीं क्योंकि शॉर्ट जर्नी एक लंबा अवकाश है है हॉलीडे जो होता है, एक लंबे अवकाश को कहते हैं हर चीज को आप स्क्रीन शॉट लेकर के आराम से रखने का प्रयास करो यहां जो हॉलीडे होता है अवकाश और छुट्टी है एक दिन का है अब रही बात तो एक दिन की छुट्टी को हम क्या कहते हैं हॉलीडे कहते हैं यानी कि होलीडे लंबा अवकाश से जाड़े का होलीडे हुआ गर्मी का होलीडे तो एक लंबा अवकाश एक दिन का नहीं है अब स्टॉल का क्या होता है अस्ट्रॉल का मतलब होता है बच्चे जैसे आप स्ट्रॉलिंग करते हो यानी कि मस्ती ज़्यादा करते हो यानी किसी भी चीज़ को जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हो किसी भी चीज़ में आप जाते हो जैसे गश्त करना सैर करना मस्ती करना गश्त यानी पुलिस क्या करती है स्ट्रॉल करती है तो इस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है गश्त मारना गश्त मारना दिन भर में गश्ती मार सकते हो यह कोई प्लेजर के लिए नहीं है ये गश्त मार मतलब किसी चीज़ को आप घूमने ऐसी मतलब किसी चीज़ के लिए नहीं यानी ऐसी गश्त मारना एक ही चीज पे बार बार जाना चक्कर लगाना को हम कहते हैं और एक्सकर्सन का मतलब होता है आनंद के लिए जाना तो आनंद के जाते हो उसे हम कहते हैं स्नीपर स्नीपर एक क्वाइट डिफरेंट बर्ड है स्नीपर का मतलब होता है निशानेबाज जैसे कोई निशाना लगा रहा हो तो उसके लिए हम स्नीपर का प्रयोग करते हैं स्नीपर निशानेबाज कहते हैं तो इस तरह से आप इसको हॉलीडे स्ट्रॉल एक्सकर्सन और स्नीपर में से आपको क्या करना है कि एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि भाई हॉलिडे का मतलब क्या हुआ स्टॉल का मतलब क्या हुआ स्नीपर का मतलब क्या हुआ तब आप इसका निकाल सकते हो तो शॉर्ट जर्नी ऑफ प्लेजर हॉलिडे एक लंबा छुट्टियों को कहते हैं स्टॉल का मतलब होता है गश्त मारना एक्सकर्सन आनंद के लिए जाना और स्नीपर का मतलब निशाना साधना को हम बात करते हैं अब इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए हमने कहा मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्राम इल्नेस अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्राम इल्नेस यानी बीमारी से इलनेस से रिकवर हो रहा है उसके लिए क्या बोलेंगे डिलेटेंट बोलेंगे या फिर इमरटिस बोलेंगे या फिर कॉन वेलेसनि बोलेंगे या फिर बोहिमियन बोलेंगे तो आप यहाँ पर देखना है कि आखिर अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्राम इलनेस क्या डिलेटेंट है या इमरिटस है या फिर कॉन्सेंट है या फिर बोहिमियन है आप इसको देखने का प्रयास करिए देखा आपने अब यहां पे देखा आपने कि आप क्वेश्चन जो कर रहे हो तो हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस अब मैं सबसे पहले जानने का प्रयास करें कि आपकी डिलिटेंस क्या है ये इमरिट्स क्या है कॉन्ब्लेसेंट क्या है और बोहिमियन क्या है तो मैं एक एक कर बताऊं आपको कि सबसे पहला वर्ड है डिलेटेंस डेलेटेंस का मतलब होता है बच्चे डेलेटेंस बोलो या डिलेटेंट बोलो इसका मतलब जो हम लोगों का अगर आप हिंदी निकालना चाहो आप इसके में डीप में जाना चाहो तो आप डिक्शनरी का हेप ले सकते हो लेकिन इसका मतलब होता है नौसिखिया जैसे कोई नोवाइस है नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया जैसे नौसिखिया नौसिख्या जैसे कोई गाड़ी चलाना सीख रहा हो तो नोवाइस नौ है नौसिखिया है उसे हम लोग डिलेटेंस का प्रयोग करते हैं या डिलेटेंट का प्रयोग करते हैं नौसिखिया हो नोवाइस नौ का प्रयोग आप कर सकते हो नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया तो नौसिखिया यहां पे चूंकि रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस बीमारी से छुट्टी पा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो नौसिखिया नहीं होगा वो नौसिखिया नहीं होगा अब हम बात करें कि ये जो बर्ड है का मतलब क्या होता है इम्यूनिटिस का मतलब होता है बेटा सेवा मुक्त यानी कि कोई जॉब कर रहा था जॉब कर रहा है तो सेवा से मुक्त हो गया यानी कि साठ साल की जॉब कर लिया सेवा मुक्त हो गया तो उसके लिए हम लोग इम्यटेज का प्रयोग करते हैं अब इसका जो आंसर यहाँ पे इलनेस का रिकवरिंग है बीमारी छुट्टी ले रहा है तो बीमारी छुट्टी के लिए नौसिखिया कर सकता तो है नहीं बीमारी से छुट्टी के लिए ये जो है सेवा मुक्त कर सकता तो है नहीं तो बीमारी छुट्टी के लिए क्या है कॉन्वेलिसेंट कॉन्वलिसेंट का मतलब होता है बच्चे जो कॉन्वलिसेंट होता है जैसे कोई लंबी बीमारी में है जिसका बीमारी लंबा हो और उससे वो स्वास्थ्य लाभ ले रहा है यानी कि स्वास्थ्य का लाभ ले रहा है उसे हम लोग स्वास्थ्य लाभ को हम लोग बोलते हैं कॉन्वल यानी रिकवरिंग हो रहा है जो जब बीमारी से रिकवरिंग मतलब ठीक हो रहा है रिकवरिंग हो रहा है तो स्वास्थ्य लाभ लेगा वो उसी को हम लोग कॉन्वलेशन कहते हैं यानी वन वर्ड्स पढ़ रहे हैं इतने सारे वर्ड्स का एक मीनिंग क्या होता है उसको कॉन्वलेशन कहते हैं अब डी है बोहिमियन बोहिमियन का मतलब क्या होता है भाई तो बोहिमियन का मतलब हुआ कि जैसे रूढ़ी मुक्त यानी रूढ़ी कह सकते हो इसको आप यानी कोई रूढ़ी परंपरावादी हो उसे हम लोग बोहिमियन का प्रयोग करते हैं तो रूढ़ीवादी हो इसको हम लोग बोहिमियन का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हो आसानी से समझने का प्रयास कर सकते हो अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री देखें आप जब पढ़ोगे सीखोगे यहां पे मैं टाइम क्यों दे रहा हूं मैं चाह रहा हूं कि आपके साथ बिल्कुल उस तरह से पेश आऊँ, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप बेहतर कर सको अगला बेटा देखो बहुत आसान क्वेश्चन है अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स क्वेश्चन है बुके है ना यहाँ पर क्वेश्चन है रेत है ना ऑप्शन दिया हमने वर्गो हमें दिया रेबल अब यहां देखो अ गार्ड ऑफ फ्लावर्स तो हमने दिया यहां पे ऑप्शन में आप देखा होगा कि हमने यहां पे बुकेट दिया रेत दिया विरागो दिया और रेबल दिया आप इसको देखने का प्रयास करें अब यहां पे आपने देखा कि गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स अब गार्लियन ऑफ फ्लावर्स में यहाँ पे क्या करना है Garland. यानि गार्लेंड यानी गार्लेंट का मतलब होता है बच्चे कि, कि किसी भी चीज का जो माला बनता है उसे हम गार्लेंड कहते हैं ये गार्लेंड हो गया ये गार्लेंड का मतलब हुआ ये माला बन के तैयार हो गया क्लियर इसे गार्लेंड कहते हैं तो गार्लेंड का फ्लावर्स का माला है उसी को हम लोग तो रेथ बोलते हैं वही को क्या बोलते हैं हम रेत बोलते हैं यानी रेत इज द राइट आंसर अब प्रश्न उठता है बहुत सारे बच्चे जो है वो बुकेट मार लेंगे बके है ना तो ये जो बुके है ये बुके आंसर इसका क्यों नहीं होगा वो ध्यान देना चूंकि होता है बुके का मतलब होता है गुलदस्ता जैसे मान लो कि बहुत सारे फूल मिलकर के जो है इन्होंने गुलदस्ता बनाया है जैसे आप किसी को बुके देते हो तो इस बुके को हम लोग जो है ये बुके को हम लोग गारले नहीं बोल सकते ये क्या है बुके है तो बुके का जो कॉन्सेप्ट है ना ये क्वाइट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है तो बुके को हम लोग यहाँ पर काम नहीं कर सकते अब प्रश्न उठता है कि ये जो वर्ड है विरागो ये विरागो का मतलब क्या होता है विरागो का मतलब जो एग्जैक्ट अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो इसका हिंदी मिलेगा चंडी चंडी का मतलब कह सकते हो जो गुस्सैल हो चंडी का मतलब हो गया जो गुस्सा गुस्सा करता हो है ना तो कहलाता है वो यानी गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स को हम रेथ बोलेंगे रेत का मतलब ए हो गया तुम्हारा बुके ए हो गया तुम्हारा चंडी अब प्रश्न उठता है कि भाई कोई भी चीज हो अब आप जब, जब जब तक वो क्या लरी का कॉन्सेप्ट नहीं रखोगे तब तक भाई आगे काम नहीं चलेगा अब यहाँ पे एक प्रश्न पढ़ा रेबल रेबल का मतलब देखो ध्यान देना डिक्शनरी में देखोगे तो इसका मतलब होगा भीड़ समूह तो भीड़ या समूह को हम रेबल बोलते हैं तो आप देखोगे कि भाई गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स है फ्लावर का गार्लैंड है तो जाहिर सी बात है कि रेत है वो बुके नहीं है विरागो नहीं है रेबल नहीं है तो इस तरह से आप बेहतर कर सकते हो और देखते हैं हम लोग और भी क्वेश्चंस। अब आप मुझे बताओ इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है है कुछ नहीं बस क्वेश्चन पे माथा पची करना है दिमाग लगाओ जब आप दिमाग लगाओगे ना सोचोगे ना तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा बस है कुछ नहीं मैं चाहता हूँ आपको टेस्ट करना रोज़ पढ़ाता हूँ यार रोज़ पढ़ाता हूँ तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है आपका फ़र्ज क्या बनता है थोड़ा तो टेस्ट भी तो दिया करो ना खाली पढ़ाने से काम चल जाएगा नहीं ना तो आप टेस्ट दो आप भी थोड़ा सा मेहनत करो सिर्फ वीडियो देख के आप बैठ के कॉपी कलम निकालो और निकाल के तुरंत पढ़ने का प्रयास करो और तुरंत मेरे साथ देखो यहां हमने क्या देखा क्वेश्चन अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ बहुत बच्चे कंफ्यूज है आप भी कंफ्यूज हो जाओगे अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ अगर इस तरह से पढ़ा ना तो नौकरी पक्का सरकारी नौकरी लेना आसान बस देखो एक बार अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ बोलो इगोइस्ट कहते हैं। बोलो एलिट कहते हैं बोलो इमेटिक कहते हैं बोलो इगोटिस्ट कहते हैं जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर कर लिया अब चलो इसका आंसर करते हैं अब यहां पर रहा है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ पहला वर्ड है इगोइस्ट ईगोइस्ट का मतलब पता है क्या होता है नहीं बोलते वो इगोइस्ट है इगोइस्ट सॉरी <coughs> ईगोइस्ट का मतलब होता है आत्महितैसी मतलब आत्महितैसी का मतलब हुआ कि जो आत्म है, मतलब जो अपना रक्षा करना जानता है ईगोइस्ट पर्सनालिटी है ये ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट ये दो चीज में अक्सर बच्चे मार खाते हैं अब ईगोइस्ट और इगोटिस्ट क्या है ईगोटिस्ट होता है कि पर्सन टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ जो अपने ही बारे में अपना गुणगान करता है समझना बात को ईगोटिस्ट का मतलब हुआ जो अपना गुणगान करता है जो अपने ही बारे में सिर्फ बातें करता है उसे हम ईगोटिस्ट कहते हैं तो ईगोटिस्ट का मतलब हुआ जो अपने ही बारे में चर्चा करता हो अपने ही बारे में बातचीत करता हो जो स्वार्थी हो अहमवादी हो उसे हम ईगोटिस्ट कहते हैं अब प्रश्न उठता है कि भाई इगोइस्ट क्या है तो ईगोइस्ट का मतलब हुआ कि आत्म परोपकारी यानी कि इसमें थोड़ा सा माइंड डिफरेंस है यह इगोइस्ट और यह है इगोटिस्ट तो इगोटिस्ट इसका आंसर हो गया क्योंकि अ पर्सन हू टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ जो अपने बारे में ज्यादा बातें करता हो उसे हम इगोटिस्ट कहते हैं अब इगोइस्ट का मतलब हो गया कि जो आत्महितैसी हो मतलब अपना भला चाहता हो ये अपना भला चाहता इगोइस्ट है, है। यानी कि कह सकते हैं कि उसके पास हम भी कह सकते हैं आप थोड़ा सा अब देखो एलिट का मतलब क्या होता है एलिट का मतलब हो गया संभ्रांत जो लोग संभ्रांत का मतलब होता है एलिट क्लास का है एलिट का मतलब हो गया जो धनी संपन्न है जो पहले से ही वेल वर्स्ट है निपुणता है उसे हम एलिट कहते हैं एलिट का मतलब हुआ धनी संपन्न धनाढ़ है ना एलिट क्लास कहलाता है तो ये तो आंसर होने से रहा यानी एक वर्ड बढ़ वर गया इमेटिक अब प्रश्न उठता है कि भाई इमेटिक को हम कैसे डिफाइन करने का प्रयास करें इमेटिक का मतलब होता है जैसे नहीं बोलता है कि एमेटिक मतलब बोमिटिंग का मन करना तो एमेटिक का मतलब हो गया कि बोमिट करना यानी बमनकारी बोमिटिंग जैसा मन होना बमनकारी या कुछ निकाल देने को हम लोग एमेटिक कहते हैं तो ये भी आंसर नहीं हुआ तो यहां जो मुख्य रूप से आंसर होगा अ पर्सन टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ यानी इगोटिस्ट इसका आंसर रियल में हो सकता है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला कहते बच्चे असअ स्टांस इजली इवेपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि कुछ वस्तु जो इजली आसानी से इवेपोरेटेड बास बन गया है एट नॉर्मल टेम्परेचर पर भी बास बन गया है उसके लिए हम क्या करेंगे भाई अब यहाँ पे चार ऑप्शन है वोलेटाइल टाइल फास्ट इंड्यूरिंग और डेफिनेट आप इसका आंसर देखो और बताने का प्रयास करो कर लिया आपने अब यहां देखने का प्रयास करें कि सबस्टांस इजिली इवैपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर अब देखते हैं पहले इसका आंसर क्या हो सकता है इसका आंसर हो बेटा वोलाटाइल वोलाटाइल आंसर क्यों है पहले देखते हैं सबस्टांस इजली इवेपोरेटेड एट नॉर्मल यानी वोलाटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील जैसे कोई भी चीज परिवर्तनशील है जैसे अभी ये ऐसा है ऐसा हो गया यानी कि जैसे पीला अभी आपने पीला देखा तुरंत ग्रीन हो गया तुरंत रेड हो गया उसको वो वोलाटाइल बोलते हैं वोलाटाइल का मतलब परिवर्तनशील जो हमेशा परिवर्तन में रहता हो उसे हम वोलाटाइल कहते हैं अब प्रश्न उठता है कि स्टीड फास्ट क्यों नहीं हुआ इंड्यूरिंग क्यों नहीं हुआ डिफिनिट क्यों नहीं हुआ अब प्रश्न उठता है इसका कि वोलाटाइल के साथ साथ और कौन आंसर हो सकता है अब यहाँ पर देखो स्टीड फास्ट इंड्यूरिंग ड्यूरिंग डेफिनिट डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित निश्चित अब जो चीज निश्चित होगा वो तो बदलने वाला नाम है नहीं दूसरा इंड्यूरिंग नहीं तो करता है मतलब सहन शक्ति सहन शक्ति कहिए सहनशील कहिए फास्ट का मतलब होता है स्थिर रुका हुआ अब यहां पे जानना है बच्चे कि सब सब्सटैंस इजिली इवेग्रेटेड नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर में क्या हो गया वो पिघल गया इवेपरेट हो गया तो इसका रियल आंसर क्या होगा ए वोला टाइल तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि वोला टाइल का मतलब होता है कोई चीज़ परिवर्तनशील है इस तरह से आप इजली आंसर निकाल सकते हो मेरे दोस्त एक्चुअली मैं चाह क्या रहा हूँ मैं चाह ये रहा हूँ कि आप आसानी से किसी भी चीज़ का आंसर निकाल सकते हैं आप आसानी से किसी चीज़ को कर सकते हैं बस करना यह है कि आपको एक एक कदम बढ़ाते हुए चलना है एक एक कदम बढ़ते हुए चलना है जिससे आपका अंग्रेजी बहुत आसान हो जाए आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें मेरे दोस्त मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाए अब आप अगर अभी जॉब की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है आ रही है तो आप तैयारी भी करो आप दिल्ली आना चाहते हो ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दिल्ली आकर के आप पढ़ सकते हो चार पाँच महीने की कोर्स है आसानी से कोर्स कर सकते हो मेरे आँखों के सामने बैठ कर, उंगली पकड़ के सिखाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप सीख सको इसके साथ साथ दिल्ली अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं है मेरे दोस्त घर बैठे आप डी एस एल इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर करके घर बैठे भी अंग्रेजी पढ़ सकते हो क्वेश्चंस के साथ साथ डिटेल क्लास कर सकते हो अब दिल्ली दूर नहीं है और आपका सिलेक्शन पाना भी दूर नहीं है सिलेक्ट हो सकते हो आगे बढ़ सकते हो काम कर सकते हो जहाँ भी मोटिवेशन की कमी हो तो अपना चैनल बी है ना मोटिवेट होते रहो पढ़ते रहो थैंक यू वेरी मच